हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मीरा सिंह मेकओवर चैनल में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं करेक्टर एंड कंसीलर पे। हम आज बात करने वाले हैं, आज हम इसको नॉलेज देने वाले हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो हम आज इस पर बात करेंगे गाइस। तो मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि ऐसे जो कंसीलर होते हैं, करेक्टर होते हैं, ये ऐसे क्रीमी फॉर्म में भी आते हैं। देखिए, ये है फॉरएवर 52 की पैलेट और ये इसमें जो है सारे ये क्रीमी फॉर्म है। आप देख सकते हैं, ये आपका ऑरेंज करेक्टर है एंड कंसीलर है ये लाइट हाईलाइट करने के लिए, एंड ये है इसको ऑरेंज को हाइट करने के लिए, देन इसमें ये आता है कंटूर के लिए। तो ये है क्रीमी, जो क्रीमी है। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो क्रीमी है, ये अगर आपको बहुत अच्छी इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इनको अभी यूज़ ना करें, जो भी बिगनर है मेरे चैनल पे। क्योंकि क्या होता है, ये क्रीमी कंटूर जो होते हैं इनको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपसे। एक ये आता है क्रीमी, देन सेकेंड ये आता है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे पास ये एली गर्ल के हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रो है, ये ऑरेंज है आपके पिगमेंटेशन एंड आपके डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। देन उसके बाद ये है उसको करेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद एक लाइट आता है जो हम हाईलाइट करते हैं अपने फेस को इनहेंस। तो ये होते हैं गाइस थोड़े से, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको आप लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं। ऐसी फॉरएवर 52 में आते हैं। देखिए, ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ये प्रो के हैं। अब ये फॉरएवर 52 के हैं, ये फॉरएवर 52 का देखिए, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ये ऐसे इसका ब्रश आता है ये बहुत अच्छे से, ये आप देख सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। देन ये क्रीमी फॉर्म में भी आता है जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ करते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। आप लिक्विड वाला यूज़ करेंगे वो भी यही काम करेगा कि आप ऑरेंज अगर यूज़ करते हैं तो आपके पिगमेंटेशन और ये हाइड करता है, कंसीलर करते हैं तो कंसीलर का काम करता है, और जो क्रीमी है वो भी यही काम करता है। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ये लिक्विड फॉर्म में है ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत इजीली ब्लेंड होते हैं। ये क्रीमी वाले ब्लेंड बहुत अच्छे से होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये वहीं का वहीं स्टिक हो जाएगा और वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इसमें बस आपको प्रैक्टिस है कि इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो ये लिक्विड वाले फॉर्म में होते हैं इनमें इतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे ये स्प्रेड हो जाता है फेस पे और ये बहुत अच्छा सा लुक दे देता है, लुक ये भी बहुत अच्छा देता है। तो गाइस, यही आज हम बात करने वाले थे। आज हमने इसी की बात की कि दो तरीके के आते हैं, एक क्रीमी इसमें टेक्सचर में आते हैं और एक आते हैं ये आपके लिक्विड टेक्सचर में। तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। बस ये कि काम दोनों का बराबर है, दोनों एक ही काम करते हैं। बस ये है कि जो क्रीम फॉर्म वाला है इसमें आपको थोड़ी सी ब्लेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और इसमें ब्लेंडिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वाले ज़्यादा बेस्ट हैं, लिक्विड फॉर्म वाले। आप जो भी बिगनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं अभी, तो प्लीज़ आप ये वाले यूज़ करिए जो लिक्विड फॉर्म में है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ये वाले आप तब यूज़ करिएगा जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये जो है इनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप इसका इन सपोज आप ये आप देते हैं आप कंटूर के लिए, तो ये क्रीमी फॉर्म में है तो ये इससे क्या होता है, ये देखिए ये कितनी जल्दी इसमें ब्रश आता है और ये इसी से देखिए कितना अच्छा सा ब्लेंड हो रहा है। देखिए, उसके बाद आपने हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया, ब्लेंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और जब आप इसमें करोगे ना तो ये देखिए, ये एकदम से, ये देखिए, ये एकदम से डार्क है। अब इसको क्या ना, इसको आपको ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये ऐसा ब्लैक सी लाइन दिखेगी और एक हार्श लाइन दिखेगी जो फेस पे बिल्कुल भी कंटूर पे अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ये बिगनर्स के लिए है वीडियो। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आप प्लीज़ क्रीमी ये यूज़ करिए, लिक्विड फॉर्म वाले, और अगर प्रोफेशनल हैं तो आप ये यूज़ करिए। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके। तब तक के लिए बाय।